देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। हालांकि नए मामलों में अब कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल आपको बता दें 526 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,60,791 हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 12,432 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,44,845 हो चुकी है। साथ ही देश में अब तक 3,37,49,900 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 28,40,174 डोज भी दी गई, जिसके बाद देश में अब तक 108,21,67,365 लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। सीएम योगी ने कोरोना काल में लोगों की मदद न करने को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता को परेशानी हुई थी तो अखिलेश घर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। उन्होंने जनता की कोई मदद नहीं की। इटावा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो सपा, कांग्रेस और बसपा कोई भी नहीं दिखेगी। इनको आप लोगों ने पहले भी अवसर दिया है लेकिन सब असफल रहे। कोरोना काल में भी मैं आपके यहाँ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहा। उस दौरान व्यवस्था देखने के लिए मैं दो बार वहां पर आया और कोरोना के संकट काल में दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। बबुआ घर में दुबक कर केवल ट्विटर पर ही खेलते रहे। उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर पर ही वोट भी दे देगा। अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुबके रहने पर मजबूर कर दो। तो ऐसे में आपको बता दें विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद नजदीक है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है, तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के दूसरे काल में मैं जिस तरह से जनता के बीच में गया और जनता की समस्याएं जानी, लेकिन अखिलेश यादव ने घर पर बैठकर होम आइसोलेशन में ट्विटर ही खेला था। आप याद करिए, कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में दो बार आया था व्यवस्था देखने के लिए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबका देना। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा।